14.2 ध्वनि का हम तक पहुंचना। हमने देखा कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने संपर्क के माध्यम के कणों पर बल आरोपित करती है, जिससे माध्यम के कण अपनी संतुलित या विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं और अपने समीप के अन्य कणों पर समान बल आरोपित करते हैं। ये विस्थापित कण पुनः अपने समीप के कणों पर बल आरोपित कर उन्हें विस्थापित कर देते हैं। समीप के कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण होता है और ध्वनि आगे बढ़ती है। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। क्या ध्वनि तरंग का ही एक रूप है? आइए इसे पूर्व में किए क्रियाकलाप तीन के आधार पर समझने का प्रयास करें। क्रियाकलाप तीन में जब आप स्वरित्र द्विभुज को कंपित कराते हैं तो कंपित स्वरित्र द्विभुज की भुजा अपने क्रमशः दाई और बाई ओर कंपन दोलन करने लगती है। जब वह अपने दाई ओर कंपन करती है तो अपने संपर्क की वायु के कणों को धक्का देकर उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। जब यह पुनः पीछे की ओर कंपन करते हुए वापस आती हैं, तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जिसे विरलन कहते हैं। चित्र चार। चित्र क्रमांक चार कंपित स्वरित्र द्विभुज में क्रमशः संपीड़न तथा विरलन की श्रृंखला, यहाँ सी संपीड़न तथा आर विरलन को दर्शाता है। जब स्वरित्र द्विभुज लगातार कंपन करता है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन एक तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती हैं। चूंकि ध्वनि संचरण में माध्यम के एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इस कारण ध्वनि को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। क्या ध्वनि संचरण गमन, ठोस, द्रव या गैस तीनों माध्यमों में समान होता है?